प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज मैं उन सभी करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूँगा जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, या बिहार से संबंधित, चाहे बिहार दरोगा हो या BPSC की एग्जाम होने वाली है, उसमें जो है भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए आपको ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। साथ साथ मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक GS या उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो आइए आज देखते हैं आज के प्रश्न क्या हैं, उन सभी प्रश्नों को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। सबसे पहले तो आप प्रश्न से जो है यहाँ पे एक प्रश्न यहीं पे बन जाता है आपका कि केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, तो सर्वानंद सोनोवाल। यह जो इनका संबंध जो है किस राज्य से है, तो असम से है, क्योंकि असम के ये पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, इससे पहले जो है वहाँ के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ही थे। तो इन्होंने ने ही हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, ठीक है, योग अकादमी की आधारशिला रखी है। वो कहाँ पे रखी गई है ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ये हैदराबाद में रखा गया है इसकी आधारशिला। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है आपको तेलंगाना की राजधानी है। अब पहले आंध्र प्रदेश में था, अब आंध्र प्रदेश में ही नहीं है, अब जो हैदराबाद का क्षेत्र जो है तेलंगाना में चला गया है और तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। तो इसका सही उत्तर होगा आपको हैदराबाद। इससे संबंधित प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो लॉस एंजिल में अमेरिका। लॉस एंजिल कहाँ है, तो USA अमेरिका में स्थित है। योग विश्वविद्यालय की बात करें तो योग विश्वविद्यालय पूरे विश्व में पहली बार आपको भारत में योग विश्वविद्यालय खोला गया था, जो कि बिहार के मुंगेर में है। भारत के अलावा जो है बाहरी भारत के अलावा जो है किसी भी देश में अगर योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है तो योग विश्वविद्यालय आपको स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजिल अमेरिका में है। योग दिवस की बात करें, प्रत्येक वर्ष 14 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत बायोटेक कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो भारत बायोटेक कंपनी का मुख्यालय जो आपको हैदराबाद में है। ये भारत बायोटेक कंपनी किस चीज़ की है, तो ये जो है मेडिसिन दवाइयाँ बनाने की काम करती है, जो कि अभी भारत में कोरोना का टीका जो दिया गया जा रहा है, मुख्य रूप से दो ही टीका जो है भारत में ज़्यादा प्रचलन है, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो है वो तो ब्रिटेन की कंपनी और भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, जबकि कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक के द्वारा ही बनाई गई है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में जो है कोवैक्सीन जो है भारत का पूर्ण रूप से विकसित स्वदेशी वैक्सीन है वो किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, तो आपको भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है। सॉरी, मैंने यहाँ 14 जून आपको लिख दिया था, ये गलत है, 21 जून को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है, तो 2015 से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, तो 1948 में ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो जो है 1948 में चलाया गया था, जो कि आपको लोगों को याद होगा कि अगर हम इतिहास में चलें तो भारत की आज़ादी के बाद जो है भारत में लगभग 563 उससे अधिक रियासतें थी। रियासतें करने के मतलब छोटे छोटे ऐसे राजा थे, जैसे अभी राज्य हैं उस तरह से जो है रियासत के रूप में काम करता था। तो जितने भी रियासत थे वो सभी रियासत तो लगभग भारत में मिल चुके थे, लेकिन तीन ऐसे रियासत थे जो कि भारत में मिलने को राजी नहीं थे, जिसमें एक था हैदराबाद, एक था जूनागढ़, एक था उत्तर में जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ को तो वहाँ पे वहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी, जिसके कारण जो है वहाँ पे आपको जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह कराने में अधिकांशतः लोग जो है भारत के पक्ष में आए, जिसके कारण जो है आपको जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। उसी प्रकार हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो एक पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है
आपको हैदराबाद को भारतीय रियासत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर जो है आपको विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया है। अगर इसके इतिहास की बात चलें तो और ज़्यादा चर्चा हो जाएगी, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है इतना ध्यान में रखेंगे कि जम्मू कश्मीर को जो आपको विलय पत्र हस्ताक्षर के द्वारा जो भारत में मिलाया गया है। तो ऑपरेशन पोलो वही था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये जो है बहुराष्ट्रीय मिस, बहुराष्ट्रीय कहने का मतलब बहुत सारे राष्ट्र, मिस दो या दो से अधिक राष्ट्रों का इनमें संयुक्त रूप से जो है ये अभ्यास किया जा रहा है। तो ये 2022 में अभ्यास होगा, जो कि ये अभ्यास कहाँ पे किया जाएगा तो इसके बारे में जो पूछा जा रहा है, तो आपको भारत के आपको विशाखापट्टनम में किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो विशाखापट्टनम में किया जाएगा। और विशाखापट्टनम है कहाँ, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। इससे कुछ और संबंधित प्रश्न देखते हैं। बरून, ये जो है बरून जो सैन्य अभ्यास जो किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से भारत का जो है सामरिक रूप से बहुत बड़ा जो है संबंध जो है, भारत फ्रांस से ही जो भारत में जो राफेल जो लड़ाकू विमान आया है वो फ्रांस से ही आया है, ठीक है। इसको कंपनी की बात करें तो राफेल जो है दसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाई गई है। डस्टलिक जो है सैन्य अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ किया जाता है। वर्ज प्रहार भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। तीन अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो गंगा की सफाई के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन चलाया जा रहा है, जिसका नया महानिदेशक बनाया गया है जी अशोक कुमार को बनाया गया है। गंगा की बात करें तो भारत की जो है सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, ठीक है। जिसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। ये आपको गंगा नदी भारत के उत्तराखंड से निकल करके पांच अलग अलग राज्यों से होकर के बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अंतिम में पश्चिम बंगाल। तो ये पांच राज्यों से होकर के बहती है गंगा नदी। अगर बिहार की बात करें तो बिहार जो है बिहार में सर्वाधिक गंगा नदी की लंबाई जो आपको पटना में है। ये आपको बीपीएससी 66वीं या 65वीं में प्रश्न पूछा गया था कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है किस राज्य में है, तो आपको पटना में है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर क्या है, ये अभी काफ़ी चर्चा में है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो शुभंकर आपको चाचा चौधरी है। गंगा एक्सप्रेसवे जो है कहाँ से कहाँ तक जो शुरू प्रारंभ की गई है, तो मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर के प्रयाग इलाहाबाद तक किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, तो इसका जो है डॉल्फिन, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, तो ये डॉल्फिन है। उसी का जो है वैज्ञानिक नाम जो है होता है गंगेटिक डॉल्फिन। नेशनल वाटरवे वन कहाँ स्थित है, ये गंगा नदी पर स्थित है। इसकी जगह की बात करें तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है, ठीक है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जो है गंगा नदी पर नेशनल वाटर वन स्थित है। राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी एक किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो आपको सूडान के प्रधानमंत्री थे। COP27 का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। तो COP27 का आयोजन आपको मिस्र में होगा। अभी जो है 2021 में COP26 का आयोजन किया गया था, जो कि आपको कहाँ पे किया गया था, स्कॉटलैंड में किया गया था। और स्कॉटलैंड जो है आपको यूनाइटेड किंगडम यूके की जो है यूके की हम बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो उसमें कई देश सम्मिलित हैं, जैसे आपको ब्रिटेन भी उसमें है, स्कॉटलैंड भी है, उत्तरी आयरलैंड भी है और वेल्स भी है। ये चारों देशों को मिलाकर के जो हम यूके यानी यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो अभी COP26 जो आपको 2021 में किया गया था, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिए थे, वो आपको स्कॉटलैंड में किया गया था।
अगला पूछा जा रहा है कि COP 27 कहाँ होगा, तो आपको मिस्र में होगा। भूमध्य रेखा किस झील के मध्य से गुजरती है, तो आपको विक्टोरिया झील से गुजरती है। भूमध्य रेखा जिसको हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं, वो आपको विक्टोरिया झील से होकर के गुजरती है। जनवरी 2022 की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये है अलका मित्तल। ठीक है, ये पहली बार महिला ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला बनी है अलका मित्तल। ये महिला पहली बार बनाई गई है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी संगठन की अगर अध्यक्ष अगर महिला बनाई जाती है, चाहे वो नेशनल हो, राष्ट्रीय स्तर के हो या इंटरनेशनल हो, तो वो आपके लिए प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और देखते हैं सीमा नहीं होगा, सोमा इसको कीजिए, सोमा मंडल सेल। ठीक है, सेल यानी कि सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1974 में किया गया था और ये महारत्न कंपनियों में शामिल है। इसकी मुख्यालय की बात करें तो ये इसकी मुख्यालय जो है सेल की मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके पहली बार महिला जो है महानिदेशक के रूप में बनाया गया है सोमा मंडल को, इससे पहले सेल की कोई भी महिला महानिदेशक नहीं बनी थी, इसलिए एक क्वेश्चन आपको चर्चा में है। धृति बनर्जी ये भी काफ़ी जो है चर्चा में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष कौन बनी है, धृति बनर्जी बनी है। भारत की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो आपको मीरा कुमार थी, जिनका संबंध जो है बिहार से ही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 11 के तहत 31 दिसंबर 2021 को तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF गांवों की सूची में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा, तो देखते होंगे अभी जैसे ही भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा दोनों के राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों के द्वारा मिलकर जो है एक चलाई जा रही थी योजना, जिसमें इसका लक्ष्य था कि सभी घरों तक आपको खुले में शौच करने से जो है बचाना, मीन्स सभी घरों में जो है लैटरिन बाथरूम की व्यवस्था करना था। और लगभग जो है सभी गांवों तक ये व्यवस्था पहुंच चुकी है कि सभी व्यक्तियों के घर में जो है आपको लैट्रिन शौचालय बना दी गई है। इसके तहत जो है भारत सरकार राज्य सरकार मिलकर के अनुदान भी 12,000 रुपये देती थी कि 12,000 रुपये, और अगर आपको इसके जो है आप घर में शौचालय का निर्माण कराएं तो उसी के तहत जो है शौच मुक्त ODF गाँव की सूची में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है, तो इसमें है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया जो इससे पहले कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है नए राज्य के रूप में गठित किया गया और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने के चंद्रशेखर राव, जो कि वर्तमान में भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ही हैं, जिनकी पार्टी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो जिनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है TRS तेलंगाना राष्ट्र संघ। इनकी चुनाव चिन्ह की बात करें, इनके चुनाव चिन्ह आपको कार है। अहमदाबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपको तेलंगाना में है। मृगमानी नेशनल पार्क ये भी आपको तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो है सीमा पर स्थित है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट आपको कहाँ चलाया गया है, तेलंगाना में चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि वैसे दूर दराज इलाके जहाँ पे आप गाड़ी के माध्यम से आपको संपर्क नहीं हो पाता है या काफ़ी दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे जो है मेडिसिन को लोगों को तक दवाइयों पहुँचाने के लिए ये अभियान की शुरुआत किया गया था। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था। हाल ही में किस देश में COVID-19 के एक नए वेरियंट B.1.6.40.2 इसी का नाम दिया गया है IHU की पहचान किया गया है, तो अभी जो है नाम सुनेंगे सबसे नया वेरिएंट जो चल रहा था और अभी पूरे विश्व में जो नया वेरिएंट फैला हुआ है उसका नाम है ओमिक्रॉन। जो है वेरिएंट जो है आपको दक्षिण अफ्रीका से फैला था और देखते देखते पूरे विश्व में ये फैल चुका है, जिसी के कारण जो है भी भारत में भी कई सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ कई स्कूलों
कई राज्यों में स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं, शायद से बहुत तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो वो जो था आपको साउथ अफ्रीका से जो है ओमिक्रॉन जो वेरिएंट की शुरुआत हुई थी, एक एक और एक नए वेरिएंट की शुरुआत हुआ है जिसका नाम है IHU, ये आपको फ्रांस से है, ये जो वेरिएंट शुरुआत हुआ है फ्रांस से। कुछ और वेरिएंट है उसको देखते हैं, कप्पा जो है ये भाभी भारत में जो है जो वेरिएंट फैला था उसका नाम था कप्पा और डेल्टा, ठीक है, कप्पा और डेल्टा दोनों जो है भारत में जो है था। ओमिक्रॉन जो है बात की साउथ अफ्रीका से भरा है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है, ये दुनिया की पूरे विश्व की बात किया जा रहा है, तो पूरे विश्व में 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है, तो आपको एप्पल है। यहाँ 3 ट्रिलियन की बात करते हैं, तो अभी यहाँ से देखा जा सकता है कि ये कंपनी है जो एप्पल है वो 3 ट्रिलियन वैल्यू मार्केट वैल्यू इसकी है। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की वर्तमान में अर्थव्यवस्था जो GDP है, ठीक है, GDP है अभी 3 ट्रिलियन है, ठीक है, मीन्स भारत की जितनी आपको GDP है 3 ट्रिलियन, उसके बराबर आपको एक कंपनी की जो है मार्केट वैल्यू हो गई है। भारत सरकार का जो है मोदी सरकार का ये लक्ष्य था कि 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो है 5 ट्रिलियन की कर दी जाएगी, लेकिन अब देखिए पूरा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कोविड के कारण इस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ट्विटर के नए CEO, ट्विटर के अभी नए CEO बनाए गए हैं जिनका नाम है पराग अग्रवाल, ये भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कि इसलिए जो है काफ़ी चर्चा में हैं। गूगल के CEO बात करें तो सुंदर पिचाई, ये भी भारतीय मूल के हैं। अमेजन के CEO जो कि एंडी जेसी, जो कि इससे पहले जो है अमेजन के CEO भी थे, अमेजन के जो संस्थापक हैं जेस बेजोस, ये अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, तो इससे पहले जो है जेस बेजोस थे जो कि विश्व के सबसे धनी व्यक्ति भी अभी जेस बेजोस हैं, तो उनके जगह पर एंडी जेसी को CEO बनाया गया है। फेसबुक का नया नाम क्या दिया गया है, फेसबुक का नया नाम आपको मेटा दिया गया है, मेटा, ठीक है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, ये भी अमेरिका की कंपनी है। मार्केट कैप के अनुसार भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो आपको रिलायंस है। यहाँ प्रश्न था कि भारत पूरे विश्व में 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को पार करने वाला कंपनी कौन है, तो एप्पल है, जबकि भारत में सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू किस कंपनी के है, तो आपको रिलायंस के है। और भारत में सबसे अमीर व्यक्ति भी रिलायंस के जो है मुकेश अंबानी हैं, जो कि अभी रिलायंस के हेड भी हैं, मालिक भी हैं। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल के संदर्भ में कौन सी कथन सही है, इसमें जो है कथन को पढ़िए, इसमें क्या क्या दिया गया है। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल, 3 जनवरी 2022 को 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल का उद्घाटन किया गया, ये सही बात है कि 3 जनवरी 2022 को किया गया है। यह योजना 1 जनवरी से 20 जनवरी 2022 तक चलेगी, ये भी सही बात है। यह कार्यक्रम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, यानी कि ये जितने आपको कथन जो है 1, 2, 3 ये सभी कथन जो है सही है। ये जो आपको सार्थक, ठीक है, सार्थक पहल का संबंध किससे है, तो शिक्षा मंत्रालय से है। शिक्षा मंत्रालय का पूर्व में नाम था HRD मिनिस्टर, ठीक है, और इसी का नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। अभी इस वर्तमान में शिक्षा मंत्री की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान हैं जिनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। निपुण पहल का संबंध जो है शिक्षा से है। समृद्ध पहल इलेक्ट्रिक मंत्रालय से है, इलेक्ट्रिक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय, ठीक है। समृद्ध पहल का संबंध जो है इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट की मंजूरी दी है, इस टेस्ट किट का नाम क्या है, तो ये टेस्ट किट का नाम है ओमिसोर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है जो कि कहाँ से आया है, दक्षिण अफ्रीका से इसकी उत्पत्ति हुई थी, उसकी जो है जाँच के लिए एक टेस्ट जो है स्वदेशी टेस्ट किट की मंजूरी दिया गया है जिसका नाम है ओमिसोर। 2DG क्या है, तो आपको DRDO द्वारा बनाई गई ये कोरोना में जो है ये दवा था, ठीक है, कोरोना में जो है 2DG क्या था, DRDO द्वारा बनाई गई एक दवा था। इलिसा टेस्ट किससे किया, किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए किया जाता है। एड्स की बात करें तो एड्स का जो है
एड्स का वायरस का नाम है HIV, ह्यूमिनो इम्यूनो वायरस। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। बिडाल टेस्ट जो है, बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड जो है, टाइफाइड में क्या होता है, इसमें मियादी बुखार होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, विस्तारा एयरलाइंस के नए प्रमुख का अधिकारी किसे बनाया गया है? तो विनोद कैनन को बनाया गया है। भारत के नए इस्पात सचिव को नियुक्त किया गया है किसको? तो संजय कुमार सिंह को किया गया है। किस कंपनी ने 12.5 करोड़ डॉलर में एयर इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में कुछ फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? तो आपको ये महिंद्रा कंपनी के द्वारा खरीदा गया है। नई दिल्ली में आयोजित 46वें GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो है GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो की जाती है वो भारत के वित्त मंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो वर्तमान में भी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, जो कि इसकी अध्यक्षता किए हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आपको रश्मि कुमारी के द्वारा जीता गया है। तो ये आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैंने जितने भी इससे पहले करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न मैंने कराया है उसमें अभी तत्काल में जो है बिहार दरोगा प्री एग्जाम हुआ है उसमें कई ऐसे सारी मीन्स मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी आउटर होते हैं लेकिन उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो से मिला है। ठीक है, तो मैंने उन सभी प्रश्नों को ही कराता हूँ जो आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि जो है किसी भी प्रश्न को आकर के आपको साथ चर्चा कर दें। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग हमारे और सारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपको लिंक दिया हुआ है, जैसे BPSC के लिए जो है आपको चैनल का लिंक दिया गया है। ग्रुप में आप जो है यहाँ पे इस ग्रुप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्विज भी कराया जाता है जो कि आपको प्रश्न दिए जाते हैं और उसमें जो है 10 सेकेंड का टाइमिंग दिया जाता है, वहाँ पर आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको गलत और सही का भी पता चलता है। तो आपको करंट अफेयर से संबंधित हो या जो है GS GK ये सब जो है वो सभी प्रश्न का जो है आपको क्विज कराया जाता है। तो इसमें जो है कई सारे लिंक दिया है, साइंस के लिए अलग सारे लिंक दिया गया है, हिंदी का अगर क्विज करना चाहते हो अलग लिंक दिया गया है, मैथ के लिए जो है अलग से दिया गया है और करंट अफेयर का अलग से दिया गया है। तो इसमें आपको हर तरह की व्यवस्था किया गया है। अगर आप हिंदी के लिए जुड़ना चाहते हैं, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए जुड़ना चाहते हैं, करंट अफेयर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आपको सभी तरह का लिंक दिया गया है। तो आप चाहते हैं तो आप इस जो है लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं।